से भगवान है दोस्तों, जो थोड़ी सी साधना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों आप अपने भगवान को किस रूप में देखते हैं? ये भी भगवान का ही एक रूप है दोस्तों। सनातन एकमात्र ऐसा धर्म है जो अपने भगवान को दोनों रूपों में दिखाता है, मनमोहक और भयावह। परंतु ये रहस्य है क्या? ये ऐसे भगवान है दोस्तों जो थोड़ी सी साधना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। कलयुग में तंत्र विद्या का बहुत बड़ा महत्व है और माता रानी चिंतपूर्णी मा तो साधना तंत्र विद्या की ही देवी है। इनके बारे में जानना बहुत आवश्यक है हम सब के लिए। यदि आपने माता रानी के बारे में जान लिया और समझ लिया और साधना करनी आरंभ कर दी, मैं गारंटी देता हूं आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। विश्वास के साथ वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा कि यह रहस्य है क्या, आखिर हमारे भगवान को इतना भयावह क्यों दिखाया गया है। दोस्तों हिमाचल के ऊना में स्थित है माँ चिंतपूर्णी का मंदिर, जिन्हें माँ छिन्नमस्ता छिन्नमस्तिका के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है, छिन्नमस्तिका का अर्थ होता है मस्तिष्क का छिन्न हो जाना, मस्तिष्क का देह से अलग हो जाना। चिंतपूर्णी का अर्थ होता है चिंता हरण करने वाली माता। माता के 10 विद्याओं में से ये माता चिंतपूर्णी छठी विद्या है और बहुत ही शक्तिशाली। ये माता का एक तांत्रिक रूप है। माना यह भी जाता है कि जैसे भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, वैसे ही माता रानी के भी 10 विद्याएं हैं। जो 10 अवतार हैं उन्हें हम 10 विद्याएं बोलते हैं माता रानी की, जिसमें काली माता भी हैं, जिसमें बगलामुखी माता भी हैं, जिसमें कमला माता भी हैं, मातंगी माता भी हैं, उन्हीं में से एक है छिन्नमस्तिका। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि छिन्नमस्तिका माता जो है वो परशुराम का ही एक नेगेटिव अवतार है। परशुराम भगवान, परशुराम के बारे में आपने सुना होगा। माता का ये रूप देखिए आप, यहाँ पर माता का ये रूप देखेंगे आप तो थोड़ा सा डर भी जाएंगे, इतना भयानक रूप है माता का। ये रूप देखिए आप। पहले तो माता खड़ी कहां पर है वो देखिए। नीचे माना ये जाता है कि नीचे कामदेव और रति हैं और संभोग स्थिति में है, अर्थात व्यविचार कर रहे हैं। उसके ऊपर माता नग्न अवस्था में खड़ी है, नर मुंडों की माला है। ये रूप आपको आश्चर्य में डाल देगा। माता रानी ने अपना सर खड़क से काट कर अपने हाथ में पकड़ रखा है और माता के धड़ से 3 रक्त की धाराएं निकल रही हैं। एक रक्त की धारा माता के काटे हुए सर के मुख में जा रही है और 2 धाराएं माता रानी की जो परिचारिकाएं हैं, सहायक हैं, उनके मुख में जा रही है। इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जो अपने भगवान को इस रूप में भी दर्शा सकता है। ये भाई साहब ने यहाँ मुझे प्रसाद की थाली दिखाई है अपनी, बता रहे हैं कि 490 रुपए लिए दुकानदार ने, ये बोल के कि ये सब चीजें आवश्यक है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। आप भी मंदिर आते हैं तो अपने हिसाब से प्रसाद लीजिए, अपने हिसाब से जो दान करना है वो दान कीजिए। 490 रुपए की पूजा की थाली हमारे पास नहीं है। माँ छिन्नमस्तिका से जुड़ी सबसे प्रचलित मान्यता नारद पंचतंत्र में मिलती है। एक बार माँ पार्वती मंदाकिनी नदी में स्नान करने जाती हैं, उनके साथ उनकी 2 परिचारिका जया और विजया भी होती हैं। अत्यधिक भूख लगने पर जया और विजया माता से कुछ खाने को मांगती हैं। माता कुछ समय प्रतीक्षा करने को बोलती है, परंतु जया और विजया के निरंतर याचना करने पर माता अपना शीश काट अपने रक्त से उनकी भूख प्यास का निवारण करती है। परंतु ये मुझे समझ नहीं आया, एक तो मैं कम विद्वान हूँ और जिज्ञासु बहुत अधिक हूँ। यदि ये नारद पंचतंत्र में ये मिलती तो है ये मान्यता, परंतु माता रति और कामदेव के ऊपर क्यों सवार हैं ये कुछ समझ नहीं आया। तो इसके बारे में मैंने और खोजने का प्रयास किया कि रहस्य है क्या। तो एक जनश्रुति बताती है कि समुद्र मंथन के समय माता ने राक्षस योनि में आकर राक्षस रूप धारण किया और राक्षसों के हिस्से का अमृत पान कर लिया था, परंतु कुछ समय बाद माता रानी पर भी राक्षस योनि का प्रभाव पड़ने लगा
और वो भी शारीरिक भोग की ओर आकर्षित होने लगी। परंतु अमृत पान के कारण यदि वो भोग संभोग करती तो उससे जो बालक उत्पन्न होता वो अमर और शिव शक्ति के मिलन से अत्यंत बलशाली होता, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश भी कर सकता था। तो माता रानी ने काम इच्छा को हराकर अर्थात कामदेव और रति को हराकर स्वयं का बलिदान देना बेहतर समझा। परंतु रक्त, यदि माता का रक्त धरा पर भी कहीं गिरता तो वहां से भी राक्षस उत्पन्न हो सकते थे, ये माता का तांत्रिक रूप है। तो माता रानी ने अपने भविष्य और भूत की छाया, हम जया और विजया बोलते हैं और कुछ लोग डाकिनी के नाम से भी जानते हैं, तो उनको वो रक्त पिलाया। देखो माता रानी भगवान है और भगवान सभी आयामों में देख सकते हैं स्वयं को भी और हमको भी। ये तीन माता रानी के ही तीन रूप हैं, असल में माता रानी के ही भूत वर्तमान और भविष्य हैं, जो स्वयं का रक्त पीकर धरा का उद्धार करते हुए दर्शाए गए हैं। दोस्तों ये भी एक जनश्रुति है जो समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। ऐसी बहुत सी जनश्रुतियां हैं परंतु मैं सब सुनाकर आपको बोर नहीं करूंगा, जो मुझे लगता है वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। पहले दर्शन कर लीजिए, ये मंदिर है दोस्तों और यहां पर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है अंदर, तो मैं बाहर से आपको दिखाऊंगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको यहाँ पर आके। यहाँ बहुत पुराना एक वृक्ष भी है, सदियों पुराना वृक्ष है दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं आप। महिलाएं जो है वो संगीत में हैं और भक्ति के गीत चल रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आगे। यहाँ आगे प्रसाद ग्रहण करके ऐसा लगता है कि सच में माता ने यहाँ वास किया होगा। हमारा धर्म अत्यधिक दिव्य होने के साथ साथ विज्ञान से भरपूर भी है। माता रानी के इस रूप का रहस्य मैं आपको झारखंड जाकर बताऊंगा, परंतु क्योंकि वहां ही छिन्नमस्तिका माता का 6,000 से 7,000 वर्ष पुराना मंदिर है, परंतु आध्यात्मिक और वैज्ञानिक आधार समझ लीजिए, माता रानी मां सती का ही एक रूप है जो उन्होंने भगवान शिव को दर्शाया था। ये रूप माता के तंत्र रूप से जुड़ा हुआ है। क्रोध और काम, ये दोनों ही उत्तेजना को जन्म देती हैं, उत्तेजना ही हमसे बुरा कर्म कराती है। अब समझिए माता रानी के इस रूप का रहस्य। उत्तेजना दो स्थानों से सक्रिय होती है, एक संभोग अर्थात जननांग से और दूसरी मस्तिष्क से, यानी कि आपके सर से। अब माता के इस रूप को समझिए, आपका आरंभ आपके जन्म से अर्थात संभोग से आरंभ होता है। आपको अपनी दोनों ही साइड्स को अर्थात अच्छाई और बुराई को साथ लेकर चलना होता है, दोनों को ही बराबर रक्त देना होता है जिससे वो आप पर हावी ना हो। रक्त की धाराएं आपके रीढ़ में वास करने वाली तीन नाड़ियों में से निकल रही हैं, पिंगला, ईड़ा और सुषुम्ना। आपकी अच्छी और बुरी साइड्स को नियंत्रण करता है आपका अहम, अहंकार। संसार में हर चीज आरंभ से अंत तक आपके स्वयं के शरीर में है। संभोग और अहम अर्थात अहंकार, दोनों को ही आपको नियंत्रण करना है, किसी को भी एक दूसरे पर हावी नहीं होने देना। हमारे जीवन के संतुलन को ही माता रानी का ये रूप दर्शाता है। जब आप भोग संभोग से उठकर अपने भूत भविष्य वर्तमान को ध्यान में रखकर अपनी अच्छी और बुरी साइड्स को अहम को नियंत्रण कर लेते हैं तो आप शिव के समीप पहुंच जाते हैं। परंतु इसके लिए आपको स्वयं को ही छिन्न भिन्न करना पड़ेगा दोस्तों, ये माता रानी का रूप दर्शाता है। इसका जो वैज्ञानिक रहस्य है वो मैं आपको तब बता पाऊंगा जब मैं उस धाम पर जाऊंगा माता रानी के, जो यहां से काफी दूर है झारखंड में। वो रहस्य खोलने के लिए मुझे, इस रहस्य को खोलने के लिए मुझे वहां जाना होगा। परंतु जो मैंने आपको बताया है वो आपको कोई नहीं बताएगा। माता रानी के इस रूप को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि माता रानी का यह रूप हमारे जीवन को दर्शाता है। काम, क्रोध, अहंकार, यदि इसको हमने नियंत्रण कर लिया तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। ये पूरी प्रकृति माता रानी के रूप में आपको दिख जाएगी दोस्तों। माता रानी के इस रूप के बारे में बहुत से लोग अलग अलग मान्यताएं बताते हैं मुझे, पर जो मुझे समझ में आया अभी तक वो मैंने आपके साथ साझा कर दिया है दोस्तों। माता रानी के इस रूप को भयंकर मत समझिए, यही प्रकृति है, यही प्रकृति है दोस्तों, यही नेचर है, बिल्कुल ट्रू। ये केवल सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो माता रानी को इस रूप में भी दर्शा सकता है, अन्यथा कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो अपने भगवान का भयानक रूप भी दिखा पाए आपको। कैसा लगा दोस्तों वीडियो? आशा करता हूं कि अच्छा लगा होगा। माता रानी के बारे में भी और रहस्य खोलूंगा मैं आने वाले वीडियोस में, इस रूप के बारे में और जानूंगा। खोज मेरी जो है वो अग्रसर है आपके आशीर्वाद से। यदि वीडियो
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर किए बिना मत जाइएगा, और यदि वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप मेरी वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं, क्योंकि खर्चा तो होता ही है थोड़ा बहुत। तो ये मेरा पेटीएम बैंक अकाउंट नंबर है, आप चाहें तो सहायता कर सकते हैं, नहीं भी करें, आपने वीडियो यहां तक देख ली तो भी मेरी बहुत सहायता हो गई। कमेंट सेक्शन में लिखिए जय माता दी।